नमस्कार मोहन भाई, अहिंसा कॉन्वर्सेशन नमस्कार, में आपका नमस्कार स्वागत है। तो बचपन जी। से बताइए कि सबसे पहली और पुरानी क्या याददाश्त होगी आपकी, अहिंसा के अनुभव या उसके असूल के बारे में? मुझे एक बचपन की याद इस संदर्भ में बहुत आती रहती है हरदम, जब भी मैं बहुत याद करता हूँ अहिंसा का संदर्भ जब भी आता है। तो हमारे पिताजी एक मध्यम वर्गीय व्यापारी परिवार से थे, लेकिन आगे आगे फिर उनको पैसा कमाने में बहुत रुचि नहीं रही, तो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, पूजा पाठ और कीर्तन आदि में ज्यादा व्यस्त रहते थे। तो खेती बाड़ी भी थी कुछ दूसरे गांव में, तो बटाई पे दी जाती थी कि कोई परिवार कर लेता था, तो उस परिवार में कोई रहा नहीं जो पहले करते थे। तो एक दिन उस गांव का एक दूसरा व्यक्ति आया कि हमें पता चला है कि आप ये आपकी खेती बटाई पर देना चाहते हैं, और अब वो पुराना जो आपका काम करता था वो तो रहा नहीं है। तो पिताजी ने कहा हाँ हम तो देना चाह रहे हैं दूसरे किसी को, तो फिर मुझे दे दीजिए। तो उन्होंने कुछ उनको जो पूछना था पूछा और कह दिया कि ठीक है आप करिए फिर आप इसको, तो चला गया। तो उस गांव से 8-10 लोग आए 2-3 दिन बाद, और उन्होंने पिताजी से कहा कि ये आपने तो बड़ा गलत काम कर दिया, जो आदमी आया और जिसको आपने हाँ कह दिया बटाई के लिए, ये तो गांव का सबसे बदमाश आदमी है और ये आपको बहुत तकलीफ देगा। तो पिताजी ने कहा कि बदमाश तो आपके लिए होगा, मुझे तो नहीं लगा वो बदमाश है। और मुझे जब उससे बात की और तो ऐसे लगा कि ठीक है और इसको दे दिया जाए, अंदर से मेरी जो आवाज आई तो मैंने हाँ कह दिया उसको, तो अब तो मैं नहीं बदलूंगा, जो मैंने कह दिया है आगे जो होना है सो होगा, लेकिन मैंने जब उसको हाँ कह दिया है और उसको अच्छा मानकर हाँ कहा है तो अब मैं ना नहीं कहूंगा। तो वो चले गए वापिस और गांव में इसकी बहुत चर्चा हुई, क्योंकि गांव में तो ऐसी चीजों की बहुत चर्चा होती है। तो उस व्यक्ति को भी पता चला, वो फिर आया और उसने पिताजी से कहा कि मुझे सब पता चल गया और उन लोगों ने जो कहा वो बात बिल्कुल सही है, मेरे जितना कोई बदमाश आदमी नहीं है, और आपके पास आते वक्त भी बहुत मेरी अच्छी भावना नहीं थी, लेकिन आपने बिना पूछताछ किए कि ये कैसा आदमी है, कहाँ से आया है, और जो भरोसा मुझ पे जताया, और फिर उन लोगों से भी कहा कि अब मैं अपना जवाब अपनी जबान जो है वो वापस नहीं लूंगा, उसको मैंने अच्छा माना है तो मैं अच्छा मान कर ही दिया है, वो चाहे जैसा करे वो उसकी बात है, तो ये भी मुझे पता चल गया, तो आप अब मेरी ईमानदारी भी देख लेना। तो उसने आखिर तक उस ईमानदारी को निभाया। तो ये जो चीज है कि आगे के आदमी को स्वीकारना और उसकी अच्छाई पे भी भरोसा करना, यह अहिंसा का एक बड़ा तत्व मेरे उस अनुभव से सीखने को मिला, क्योंकि बहुत उम्र मेरी कम थी लेकिन समझने जैसी उम्र थी और घर में ही सब ये चीजें होती थी, तो हम लोग आसपास रहते थे और पिताजी भी ये सारी बातें कहते थे, ये भी था उनका कि भाई ये ऐसा हुआ, आज ये लोग आए फिर ऐसा हो गया, तो फिर और पक्का हो जाता था कि ये सब, तो वो उस घटना ने मुझ पर बहुत असर किया। तो ये इस प्रकार की जो अहिंसा की आपकी समझ बनी, दूसरे की अच्छाई को पहचानना, उसको उभरने में मदद करना, क्या इसी से फिर आपका सामाजिक कार्यकर्ता बनने का आपको वो इंस्पिरेशन मिला? एक तो वातावरण कुछ इस तरह का धार्मिक और ये इंसानियत वाला घर में जरूर था, माँ भी जो थी वो भी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, और पिताजी से उसमें और एक चीज ज्यादा थी कि वो पढ़ती बहुत थी, उसको पढ़ने में बहुत रुचि थी, तो वो किताबें पढ़ना मैगजीन्स पढ़ना, वो अपने पूना की थी, पूना में पढ़ाई में भी बहुत रुचि थी, लेकिन उस समय के अनुसार शादी हो गई तो पूना से एकदम चंद्रपुर दूसरे सिरे पे, महाराष्ट्र का एकदम पिछड़ा इलाका, वहां पे आई, लेकिन आई तो किताबें लेकर आई, मैगजीन लेकर आई, अखबार भी वहां से लेकर आई, तो हमको बचपन से ही ये सारी चीजों का एक मुझे बहुत रुचि हो गई थी पढ़ना, किताबें पढ़ना, मैगजीन्स पढ़ना, अखबार पढ़ना, और उसको माँ बहुत प्रोत्साहन देती थी। एक चीज मुझे अनुभव होता था कि जब भी इंसानियत की बात आती है तो मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगता था कि हाँ सब बुरा बुरा नहीं है, कुछ अच्छी चीजें भी है, और उस अच्छी चीजों की तरफ काम करने वाले लोग भी है, विचारधाराएं भी है, तो दोनों तरह की चीजें होती है, लेकिन बहुत निराशाजनक स्थिति नहीं है,
जब जेपी ने युवाओं को आह्वान किया 1972-73 की बात है, अपील टू यूथ करके, नवनिर्माण आंदोलन का समय था, और उन्होंने एक अखबार में उसको छापा, और वो पढ़ते ही मुझे लगा कि ये तो मेरे लिए है, और ये आदमी है जिसको मुझे फॉलो करना चाहिए। उस दौरान ये हो गया कि जेपी ने तो मना कर दिया है बिहार में आने के लिए, फिर आदिवासी और जंगल का कहाँ काम हो रहा है, मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो बाबा आमटे जी ने हेमल कसा में उनका बेटा प्रकाश और मंदा उनको लेकर कुछ काम शुरू किया था, तो बाबा आमटे के पास पहुंच गए कि मैं वहां आकर देखना चाहता हूँ आदिवासी इलाके को, जंगल को। तो उन्होंने कहा कि ये पर्यटन थोड़ी है, तुम एक महीने के लिए आना चाहते हो तो आओ। ये जो हेमल कसा वाला दौर था, इसमें अहिंसा के बारे में आपकी कैसे समझ या अनुभव आपका कैसे आगे बढ़ा उस दौरान? क्योंकि वहां पर आदिवासियों के साथ भी काम हो रहा था, स्वास्थ्य का काम हो रहा था, पशुओं के साथ भी काम हो रहा था, तो इस सब में से आपने क्या निकाला? ये सब सबसे मुझे बहुत सीखने को मिला, हिंसा का पाठ भी बहुत मिला, क्योंकि वैसे भी वो दौर ऐसा था कि वहां पे हिंसा का शुरुआत हो चुकी थी। दूसरा, एक दिखने वाली हिंसा जिसमें खून खराबा होता है, मारपीट होती है, उससे ज्यादा गहरी जो व्यवस्था में, रचनाओं में और नजरिए में, पद्धति में, जीवन पद्धति में जो हिंसा होती है, उसका भी अनुभव होने लगा कि एक जो कॉलोनियल रिलेशनशिप है आदिवासियों के साथ में, उनकी गरीबी, बेरोजगारी और जो उनके प्राकृतिक संसाधन पे अधिकार को नकारना और विकास की अलग अलग अवधारणाओं के कारण उनकी जीवन पद्धति को नकार कर उसको ध्यान नहीं देना, ये सब में हिंसा दिखाई देने लगी, और वो कैसे उसमें सहभागी हो इसके लिए काम करना भी अहिंसा का काम है, ये भी समझ में आने लगा। फिर हर किसी की अलग जीवन पद्धति होती है, समझ होती है, पृष्ठभूमि होती है, विशेषताएं होती है, उनको सुनना, किसी को ये नहीं मान लेना कि ये सारे पिछड़े हैं, ये भी किसी को इस तरह से मानना कि ये पिछड़े हैं और उनको सुनने की जरूरत नहीं, ये भी एक हिंसा है, इस तरह की चीजें मुझे बहुत वहां पे समझ में आने लगी। जेपी से मिलने के बाद और ये जो नए साथियों से आपका परिचय हुआ, जिनको अंततः जाकर छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का नाम दिया गया, उसमें हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा, इसको कैसे समझा गया और इस पे कैसे इसके साथ कैसे जिया गया, उस पे बताइएगा। हाँ, ये नारा तो मैं वहां पहुंचा उसके पहले ही लगा गया था, बिहार आंदोलन की समय की बात है, उस समय जब वो नेतृत्व में उनका जुलूस निकला था और उस पे लाठी हमला हुआ था, और उस समय ये अखबार में बहुत छपा था ना, और उसी समय से मैं उस पे चिंतन भी करता था, और उससे मैं जेपी से पूरी तरह सहमत हो चुका था कि वो जो हिंसा की पृष्ठभूमि में उन्होंने नेतृत्व को संभाला जब बिहार जल रहा था और लोग भयभीत है, और विद्यार्थी भी जो उसकी अगुवाई में जिन्होंने इसको आंदोलन शुरू किया था वो भी असहाय हो गए थे कि अब इसको कैसे आगे ले जाए, और फिर जब जेपी ने उसको स्वीकारा तो उन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात शुरू की, और वो बहुत प्रसिद्ध व्याख्यान है उनका गांधी मैदान वाला, वो भी मैं बहुत बारीकी से पढ़ता रहा, और ये नारे को भी मैंने बहुत समझने की कोशिश की, और जेपी की वो बात मुझे बहुत सही लगी कि भाई का जवाब हिंसा से नहीं दिया जा सकता, उल्टा व्यवस्था बनी रहती है, क्योंकि बहुत बार जल्दबाजी में या प्रतिक्रिया में हिंसा की, हम हिंसा से ही उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं, या तो व्यवस्था हमें उकसाती है कि हम लोग भी हिंसा का उपयोग करें ताकि उनको मौका मिल जाए, और वो फिर हमारे मुद्दे से हटाकर हिंसा में, वो तो ताकतवर है क्योंकि हिंसा का तो उनका उनकी एरिया है वो, लेकिन उससे ताकतवर चीज क्या हो सकती है, तो वो अहिंसा है, तो ये अहिंसा निर्भय की अहिंसा होनी चाहिए, कायदा काम की नहीं है। अगर आप अभी हिंसा नहीं कर सकते हैं इसलिए हम अभी अहिंसा की बात कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं चलेगा, तो इसलिए ये नारा बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अंदर से आता है कि हाँ हम हाथ उठा सकते हैं, लेकिन आप हमला करोगे उससे हमें
ऐसे प्रतिक्रिया पैदा होगी क्योंकि उसकी आदत है, हमें अहिंसा की तो आदत नहीं है, हिंसा की आदत है। जब भी हिंसा आती है तो तुरंत पहली प्रतिक्रिया अहिंसा की नहीं होती है, हिंसा की होती है। तो उसको जगाए रखने के लिए ये नारा कि हमला चाहे जैसे होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। क्यों? क्योंकि ये हिंसा का जवाब अहिंसा में है। हिंसा से वो जवाब नहीं मिल सकता, हिंसा से हिंसा खत्म नहीं हो सकती, इसलिए हमें ये करना है। और इसलिए फिर उस अहिंसा की परीक्षा है, हमें सहना होगा। और उसका अंतिम जो चीज है कि हो सकता है कि हमारी मृत्यु भी हो सकती है। भय से मुक्ति होना है, अहिंसा की चीज भय, यही हिंसा का आधार है। जो भयभीत है वो हिंसा करता है, कमजोर है क्योंकि भय से ग्रस्त है। तो उस भय से ऊपर जाने वाली बात अगर है तो वो आखिर सिरा है कि आप मार दिए जाओगे, खत्म हो जाओगी आपकी जिंदगी। तो क्या स्वतंत्रता से, आजादी से, स्वराज से भी ज्यादा मेरी जिंदगी महत्वपूर्ण है, या उससे ज्यादा ये मुझे ज्यादा स्वराज महत्वपूर्ण है, इसका फैसला आपको करना होगा। तो वो जब फैसला हो जाता है तो फिर एक अलग तरह की निर्भयता की शुरुआत होती है। तो ये नारा सब उससे जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मुझे वो तभी पहले से ही ये लगा था कि हाँ, ये आदमी सही, मैंने चुनाव किया है, ये आदमी अपने इसी को पकड़ के रखना है आगे जाने के लिए। तो जो बाकी नौजवान शामिल हुए छात्र युवा संघर्ष वाहिनी में, उन सबको ये नारा और इसका ये जो असूल है इसके पीछे का, सबको ये स्वीकार था कि इसको अपनी जिंदगी में उतारने के लिए आपके साथियों के बीच में भी कुछ संघर्ष हुए? प्रैक्टिकल इसको लागू करने के लिए आप लोगों ने क्या, अपने आप से क्या संघर्ष किए? छात्र युवा संघर्ष वाहिनी जिसके वो सर सेनापति थे, उसकी बुनियाद ये थी कि ये ऐसे युवा और युवतियों का संगठन है जो चुनाव की राजनीति में नहीं जाना चाहते और संपूर्ण क्रांति के लिए चुनाव की राजनीति के बाहर रहकर काम करना चाहते हैं, उन्हीं का यह संगठन होगा। ये शर्त के साथ ही ये संगठन की शुरुआत हुई थी। तो उसकी बुनियाद में ही ये चीज थी कि चुनाव की राजनीति ये एक राजनीति का छोटा हिस्सा है। राजनीति का असली मतलब है लोक शक्ति पर आधारित। इसलिए जो बात बिहार आंदोलन में चुनाव के पहले चल रही थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी, उसको वो जनता सरकार कहते थे। और उसमें कहते थे कि जनता आगे नेता पीछे, और जनता सच में आगे आती थी। वो अगर सच में अगर चुनाव की राजनीति में उस समय नहीं जाते और ये जनता सरकार का काम जो गांधी जी के ग्राम स्वराज के काम से बिल्कुल जुड़ा हुआ था या उसी का रूपांतर था, वो अगर आगे बढ़ता तो शायद अलग तरह की परिस्थिति होती। तो वो जो चीज थी उसके जुड़ाव के कारण एक था। दूसरा था कि उन्होंने जो बहुत महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन किया वो था संपूर्ण क्रांति का विचार। युवाओं में क्रांति की प्रति बहुत आकर्षण होता है और वो होना भी चाहिए युवा अगर है तो, कि जो हम व्यवस्था बदलना चाहते हैं, और व्यवस्था बदलने के लिए अगर हिंसा से हो सकता है तो हिंसा भी करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि हम लोग डरने वालों में से नहीं है। हम मरने के लिए भी नहीं डरते और मारने के लिए भी नहीं डरते। ये इस तरह की एक भावना, ये जनरली क्रांति के बारे में जब होता है, क्रांति की जब बात होती है रेवोल्यूशनरी, तो आपको जब हिंसा का उपयोग करना है तो डर के तो नहीं कर सकते ना। हिंसा के माध्यम का उपयोग करने के लिए भी आपको अपने को मरने की तैयारी रखनी पड़ती है और दूसरे को मारने की तैयारी रखनी पड़ती है, तब तो आप हिंसा कर पाते हैं। हिंसा कोई ऐसी सीधी सीधी थोड़ी कर पाते हैं। तो लेकिन उस तरह की क्रांतियों का संदर्भ लेते हुए जेपी ने जब इस क्रांति की कल्पना में ही क्रांति की बात की, उन्होंने कहा कि इस तरह से हम सिर्फ नागनाथ को हटाकर सापनाथ को ला सकते हैं, व्यवस्था नहीं बदलती। ये उनके शब्द है। व्यवस्था बदलने के लिए आपको सतत समग्र क्रांति की जरूरत होगी, और उसमें सभी हिस्से महत्वपूर्ण होते हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक भी, शैक्षणिक भी। तो ये सारे पहलू जीवन के जो है वो महत्वपूर्ण है। ये अगर सच में हम लोग व्यवस्था बदलना चाहते हैं तो ऊपरी ऊपरी जो आकर्षण है हिंसा से ये हो जाएगा, तो पहले थोड़ा परखना चाहिए कि कहीं हुआ है क्या। इसके पहले भी सत्ता परिवर्तन तो बहुत हुए, लेकिन क्या व्यवस्था परिवर्तन हुआ?
नाम तो बहुत लिया लोगों ने व्यवस्था परिवर्तन का, जो भी फिर सत्ता में आया उसने कह दिया कि हमने क्रांति कर ली, लेकिन व्यवस्था बदली या नहीं बदली सच में? तो ये चीज जो थी कि परखना चाहिए, किसी ने कह लिया है इसलिए नहीं मानना चाहिए। शुरुआत मेरी जेपी से हुई और जेपी के बाद फिर मुझे आकर्षण बना गांधी का, क्योंकि फिर गांधी का से संदर्भ बहुत आता था। और फिर मुझे एक किताब पता चली कि भैया अरे कोई गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज नाम की कोई किताब लिखी, तो पढ़ने की आदत तो थी, घूमता भी बहुत था, लोगों से भी मिलता था, तो तुरंत ले ली किताब, और प्रवास में पढ़ना भी होता था, तो फिर हिंद स्वराज पढ़ ली, हिंद स्वराज के ऊपर लिखे हुए लेख पढ़ लिए, किताबें ढूंढ ली, लोगों से बात कर ली, तो समझ में आने लगा कि ये आदमी ने कुछ चीज बारीकी से पकड़ी है हिंद स्वराज। लेकिन एक चीज और भी समझ गया आगे कि ये सब चीज में क्या खतरा है ये बता रहा है, एक जो आधुनिक सभ्यता का खतरा है और जिसको हम लोग नहीं समझ रहे हैं उससे ये आगाह कर रहा है, चिल्ला कर कह रहा है कि यहाँ खतरा है, खतरा है। लेकिन इसके ऊपर विकल्प क्या है? तो ये आदमी रोक देता है, रुको रुको अभी नहीं बात करो उसकी, पहले ये खतरा है ये तो मान लो, और जिसको सब अच्छा अच्छा कह रहे हैं वो सब बेकार की चीज है ये तो मान लो। बसंत पलशीकर जी एक अध्ययनकर्ता महाराष्ट्र में रहे हैं कि जिनका ये सारा गांधी, विनोबा, सर्वोदय और काफी व्यापक परिचय भी था, पढ़ते भी बहुत थे, तो उनसे परिचय हुआ। और ये ऐसे थोड़े निराग्रही व्यक्ति थे कि जो एक तरह से आपको मदद करते हैं सोचने समझने के लिए, इस तरह के व्यक्ति से मेरी दोस्ती हो गई, तो उनके कारण फिर विनोबा का परिचय, और फिर विनोबा की एक स्वराज्य शास्त्र नाम की किताब से उन्हें परिचय करा दिया और फिर उसको पढ़ी। हाँ, फिर वो जो बच गया था काम स्वराज्य शास्त्र का, वो इस विनोबा भावे ने 1942 में पूरा किया था, और उन्होंने फिर पूरा एक शास्त्र उसका जो पॉलिटिकल साइंस होता है उस भाषा में सूत्रबद्ध रूप से कहा था कि विकल्प क्या है और क्या होना चाहिए। गांधी को आगे ले जाने का एक महत्वपूर्ण काम इन्होंने किया है। और फिर उसमें जो सर्वसहमति की बात, सर्वायतन की बात उन्होंने कही थी, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर लोक शक्ति की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, तो ये विनोबा के कारण समझ में आया। जी, ये स्वराज शास्त्र में भी निकल के आता है अहिंसा की बात, वो किस प्रकार से है? जी, स्वराज शास्त्र में अहिंसा किस रूप में आपने सीखी? वो चीज आती है विनोबा के इसमें, पूरे इसमें आगे अहिंसा की बात और गहराई में ले जाने वाली, क्योंकि गांधी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये सारे स्वराज्य की प्राप्ति की लड़ाई में या संघर्ष में, वो है सत्याग्रह। सच में बड़ी बात है सत्याग्रह का, एक जो योगदान है गांधी का, जो अफ्रीका में जिस तरह से सत्याग्रह की खोज उन्होंने की, फिर उसका प्रयोग किया, और फिर भारत में आके चंपारण में उसका सफल प्रयोग किया, तो एक बड़ी दुनिया को देन गांधी की रही है सत्याग्रह की। लेकिन गांधी बार बार कहते थे कि ये एक ऐसे विकसनशील शास्त्र है, और उसको आगे ले जाने का काम विनोबा ने शुरू किया। तो ये सत्याग्रह की जो मीमांसा है, विश्लेषण है, उसमें बहुत गहराई में विनोबा जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई सत्य का आग्रह करना ये भी एक हिंसा है, क्योंकि मेरा सत्य ही सत्य है, मेरा सत्य ही सत्य है, इसका आग्रह करना हिंसा है, क्योंकि हर व्यक्ति का सत्य सत्य है। अब दो व्यक्ति का सत्य में से किसका सत्य है ये कैसे फैसला करोगे? तो एक तो कहेगा मेरा ही सत्य है, दूसरा कहेगा मेरा ही सत्य है। तो अब तक का दुनिया का तरीका है कि बातचीत से अब फैसला नहीं हो सकता, ये भी कह रहा है कि मेरा ही सत्य है, तुम भी कह रहे हो मेरा ही सत्य है, कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, तो अब आपको कुश्ती लड़नी पड़ेगी, और जो कुश्ती में जीतेगा उसका सत्य होगा, ये अब तक की रीत है। तो वो इसका बहुत मजाक उड़ाते कि ये क्या तरीका हो गया सत्य का, मतलब विनोबा इसका मजाक उड़ाते हैं। विनोबा बहुत बढ़िया लिखते हैं इसमें, और फिर कहते हैं कि भाई ये जब व्यक्ति की बात हो गई, लेकिन जब देश की बात होती है तो सत्य के फैसले के लिए युद्ध होता है, दोनों सत्य के लिए लड़ते हैं, और जो युद्ध में जीतेगा वो सत्य साबित होता है। और फिर उन्होंने कहा कि इसमें एक अहिंसक तरीका भी निकला है, जो गांधी का सत्याग्रह का तरीका था वो भी लोगों ने पकड़ लिया है कि अच्छा हुआ ये तो अब लड़ाई लड़ने कुश्ती लड़ने की जरूरत नहीं, लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, अब तो उपवास किया जाए, अनशन किया जाए, कि आमरण उपोषण, और इस तरह से अभी भी चलता है वो गांधी के नाम पर, कि अहिंसक सत्याग्रह के नाम पर, या तो सत्याग्रह को मान लिया जाता है ये गांधी का साधन है, और उसके लिए आग्रह के लिए कि हमारी बात को आपको मानना ही होगा नहीं तो हम मर जाएंगे,
इस तरह से धरना दिया जाता है प्रदेश, वो तो कहते हैं ये तो पिस्तौल रोकने जैसी बात है किसी को डराने के लिए कि ऐसा नहीं करोगे तो हम ऐसा कर देंगे। तो उन्होंने उसकी बहुत सूक्ष्मता में जाते हैं कि ये जो सत्याग्रह शब्द है वो आग्रह जो है ये हिंसा है। तो वो कहते हैं कि सत्याग्रह नहीं सत्यग्राही होना चाहिए, तो हमें आग्रह छोड़ना होगा। अच्छा। सत्यग्राही मतलब सत्य क्या है इसके लिए समझने के लिए हर वक्त तैयार होना चाहिए और हमें इसका एहसास होना चाहिए। अगर हम खुद को अहिंसा में मानते हैं तो मेरा ही सत्य सत्य है, ऐसे नहीं हो सकता है दूसरे का सत्य भी सत्य हो। तो मैं अपनी बात ईमानदारी से कहूं क्योंकि मैं बेईमानी ना करूं अपनी बात, मुझे जो अंदर से लग रहा है सत्य है मैं कहूं, लेकिन दूसरे की बात भी सुनने के लिए हर वक्त तैयार रहूं और उसमें से खोज करने की प्रवृत्ति हो कि आखिर में सत्य है का। और सत्य एक समय नहीं होता है, वो लगातार उस समय का सत्य होता है और बदलता रहता है। और ये गांधी और विनोबा के जीवन में दिखता है कि गांधी का भी जीवन सो सारा है, उसने कह रखा है कि दो बात अगर है, एक पिछली बात और नई बात, तो बाद वाली बात मानी जाए। और वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में, जाति व्यवस्था के संदर्भ में गांधी में जो जिस तरह का परिवर्तन दिखाई देता है उनका, और जिस सिरे पे जाकर फिर पूरा काम उन्होंने किया है, तो ये असली सत्याग्रह को उन्होंने पकड़ा था। तो ये सत्यग्राही होना और हाँ, दूसरा इसके ग्राही का मतलब क्या और ग्राह्य करना, ग्राही का मतलब जो ग्रहण करने के लिए तैयार, ग्रहण करना, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के लिए तैयार होना। आग्रह में आप तैयार नहीं होते, आप सिर्फ अपनी बात कहते हो, दूसरे की बात दूसरे पे आप थोपते हैं और अलग अलग तरह से थोपने की बात करते हैं, अलग अलग भाषा का प्रयोग करके, फिर डरा के, धमका के या लालच दे के, तो ये सब हिंसा के रूप है। तो ये विनोबा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है अहिंसा के संदर्भ में। इसलिए वो कहते हैं कि सिर्फ सत्याग्रह काम करने से काम नहीं होगा, अगर सत्याग्रह शब्द को बनाए रखना भी है तो उसके साथ अहिंसक सत्याग्रह जोड़ना होगा, क्योंकि सत्याग्रह हिंसक भी है। हाँ, तो ये इन्हीं सब अनुभवों से आपकी तैयारी बनी जो जाके फिर मेंडा लेखा में आपने लागू की, और ये जो सर्व अनुमति का प्रयास वहां आपने एक किस्म से इवॉल्व किया वहां के लोगों के साथ, अब उसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो प्रवास था उसने मुझे वहां तक ले गया कि स्वराज और लोक शक्ति के आधार पर व्यवस्था परिवर्तन की बात आपको करनी है तो ऐसी बुनियादी इकाई हो जहां पे ये लोक शक्ति प्रकट होती है वो कैसे होती है। तो सिद्धांत या तो तत्व के आधार पर, विचारधारा के आधार पर ये जवाब आ रहा था कि जहां पे लोग पास पास रहते हैं और सारे मिलकर प्रतिनिधि को ताकत दिए बिना अपना निर्णय करने के लिए इकट्ठा होते हैं और सर्व सहमति से कम सर्वानुमति से निर्णय लेकर काम करते हैं, वहां ये लोक शक्ति प्रकट होती है। ये सैद्धांतिक पक्ष। लेकिन मैं उनसे पूछता था, कहने वालों से, कि ऐसी जगह बताइए कि जहां पे ये हो रहा है तो मैं जाके अध्ययन करूं, देखूं। तो लोग कहते थे कि ये तो हमने नहीं देखा अभी तक। और विनोबा जिन्होंने लिखा है स्वराज्य शास्त्र में, उस किताब में भी उन्होंने लिखा हुआ है कि ऐसा गांव मैंने देखा नहीं। विचार के स्तर पर मैं लिख रहा हूं कि ऐसे हो तो ऐसा हो सकता है। सर्व सहमति में ये होता है कि आप बातचीत करते करते आप पूरी तरह से सहमत हो जाते हैं, है ना। तो आपके दिल में कोई सवाल नहीं रहा, आप सहमत हो गए और उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, ये सर्व सहमति होगी। लेकिन बहुत बार बात करने में ये होता है कि सहमति नहीं हो रही है, लेकिन आपको बात करने में ये समझ में आता है कि अब ये चीज बातचीत से हल नहीं होने वाली, कितना भी हम बात कर ले अब ये नहीं होने वाला। तो फिर कैसे फैसला होगा? फैसला होगा जब करके देखेंगे। गांधी का ये बहुत बड़ा सूत्र है। गांधी कहते हैं कि करके देखो, पता चल जाएगा होता है नहीं होता है, कितने देर बहस करोगे। तो ये करके देखने की स्थिति में आना है सर्वानुमति, कि अब मैं सहमत तो नहीं हूं लेकिन अनुमति है मेरी कि अब इसको करके देखा जाए। तो दोनों अलर्ट है अपने पक्ष के लिए और बहुत ध्यानपूर्वक कर रहे हैं और उसमें से जो परिणाम निकल कर आ गया उसको पकड़ लिया है। और फिर अब किसी को समझाने की जरूरत नहीं है कि इससे ऐसा होता है या नहीं होता है, क्योंकि हो गया, पानी का पानी और दूध का दूध। तो ये जो ज्ञान प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चीज है कि सिर्फ बातचीत से ज्ञान की बात अंतिम नहीं होती, आपको करके देखना होगा और हर रोज सीखना होगा।
मेंढा वाले इसके ऊपर बड़ा बढ़िया कहते हैं कि वो कहते हैं भगवान ने दिन और रात इसलिए बनाया है, दिन भर काम करो, रात में सोने के पहले क्या नहीं समझ में आया है उस पर बात करो, और फिर जो पता चल गया कि करके क्या देखना है उसको दूसरे दिन करो, रात में सो जाओ। तो ये करके देखना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसको गोंडी में वो कहते हैं कि सुड़ना। सर्वोदय वाले बात तो बहुत करते थे अहिंसा की, सर्वानुमति की, सर्वसहमति की, लेकिन उतनी ताकत से नहीं करते थे, और चीजें बाकी ज्यादा बोलते थे, लेकिन ताकत आती नहीं थी उसके कारण। तो फिर मान भी लिया था, मुझे पता चल गया इन लोगों ने कि भाई जो विरोधक कहते थे कि भाई ये तो यूटोपिया है, स्वप्न रंजन है, असंभव है, विरोध से ही विकास होता है, घर में सर्वसहमति नहीं होती बाप माँ बाप बेटा बेटी में, तो गांव में कैसे होगी, फिर तो जाति धर्म पंथ वर्ग ये सारे भेदाभेद है, तो ये सर्वसहमति की बात यूटोपिया है। तो अंदर से अंदर सारे गांधी सर्वोदयवादी भी ऐसी मानते, इसलिए बहुत ताकत लगाते नहीं थे उसके ऊपर, थोड़ा छुपा छुपा के ही रखते थे, सर्वसहमति वाला हिस्सा, हिंद स्वराज, स्वराज शास्त्र, इन सबको छुपा के रखने का काम इन लोगों ने बहुत किया। मुझे परख कर देखना चाहिए, मैं जाकर कहीं देखूंगा, खोज करूंगा, तो वो मेरी अपनी जिंदगी के लिए कि मैं कैसे काम करूं, मुझे एक फैसला करना जरूरी हो गया है कि सच में सर्वसहमति या सर्वानुमति संभव है या नहीं है। मैं खुद जाकर परख कर देखूंगा, अगर है तो दिखाई देगी, नहीं है तो मानूंगा कि कुछ मेरी कोशिश कम है या तो नहीं होती होगी, तो फिर बिना सर्वसहमति के बहुमत के आधार पर काम को आगे ले जाने का तरीका मुझे अपनाना पड़ेगा। तो इसलिए मेरी अपनी जरूरत के कारण मैं मेंढा को खोजते हुए निकला, और उसके लिए फिर खोजना है एक गांव को, तो गांव को खोजने के लिए सिर्फ घूमूं और फिरूं ये तो ठीक नहीं है। तो आदिवासी और जंगल क्षेत्र में मुझे रुचि है, तो मुझे कुछ ऐसा काम लेकर जाना चाहिए कि जिससे गांव को खोजते खोजते अध्ययन भी हो। तो जंगल और लोक इस विषय पे अध्ययन की योजना बनाकर मैं और मेरी पत्नी दोनों फिर धानोरा तहसील के आदिवासी क्षेत्र में गांव के संपर्क करने लगे। लेकिन हमने उस योजना में लिख रखा था कि ऐसा गांव होता है क्या कि जो सर्वानुमति या सर्वसहमति से निर्णय लेकर काम करता है, ये खोजना ये हमारा पहला उद्देश्य है। अब वो ना हो तो कम से कम जंगल और लोक का क्या संबंध होता है, इसका अध्ययन तो हम करेंगे, आपसे परिचय होगा, बात होगी सब। और फिर 65 गांव से हमने संपर्क किया, 22 गांव इसके लिए तैयार हो गए कि ग्राम सभा पारित करेगा प्रस्ताव, और हम उनको कोई पैसा नहीं देंगे, हम उनकी समस्या हल नहीं करेंगे, लेकिन हम उनके साथ अध्ययन करेंगे, जिसका फायदा उनको अध्ययन के द्वारा जो होना है होगा, इस आधार पर वो अध्ययन के लिए तैयार। 22 गांव, और उसमें फिर ये एक मेंढा गांव मिला। ये पहले से था, हमने इसको तैयार नहीं किया, ये गांव पहले से ही निर्णय ले चुका था कि उनके गांव के संबंध के निर्णय ग्राम सभा में सर्वसहमति से करना है। इस गांव का परिचय हो गया, ये तो पहले से तय है, सर्वसहमति तो दिख रही है ग्राम सभा में और निर्णय लेके काम कर रहे हैं, लेकिन फिर ये भय क्यों है, महिलाएं इतनी परेशान क्यों है, मारपीट क्यों हो रही है, बच्चे खाने को नहीं मिल रहा है, कपड़े ठीक से नहीं है, और कोई बाहर से आता है कर्मचारी, पुलिस पटवारी गार्ड, तो गांव के लोग भाग जाते हैं जंगल में, इतना भय क्यों है, तो ये सवाल खड़े हो गए। अब उसके जवाब मुझे ढूंढने थे। अब ये ढूंढने के लिए मेरा अपना तरीका वहां पे ये था कि ग्राम सभा में तो मैं जाके बात नहीं करूंगा, क्योंकि वहां तो निर्णय गांव के लोगों को लेना है, मैं उसको प्रभावित नहीं करना चाहूंगा। तो मेरी जगह कौन सी है, तो मेरी जगह वो है कि जहाँ पे गांव के ही ऐसे महिला और पुरुष जिनको अध्ययन में रुचि है, अब वो जंगल के अध्ययन के कारण परिचय भी हो चुका था, और एक हमारा अध्ययन समूह भी बन चुका था जिसको हम लोग अभ्यास गट कहते हैं मराठी में। तो फिर चली बात, लोगों ने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया, सिखाया, और उससे एक समझ बनी कि ये जो सर्वसहमति है जिसपे अभी वो लोग कह रहे हैं सर्वसहमति, ये झूठी है, क्योंकि ये जो गांव की ग्राम सभा है इसमें महिलाएं तो आती ही नहीं, उनको मना ही है, क्योंकि भले ही आदिवासी समाज महिलाओं के बारे में कुछ थोड़ा सा खुला है समाज, लेकिन है तो पुरुष प्रधान पितृसत्ताक व्यवस्था का ही हिस्सा, वहां पे भी शादी के बाद में महिला को पुरुष के घर में आना पड़ता है, बहू बन के रहना पड़ता है, प्रॉपर्टी का कोई राइट वगैरह नहीं होता, वो उसको दबके ही रहना पड़ता है, थोड़ी छूट है, जंगल में अकेली जा सकती है, घूम सकती है वगैरह वगैरह। तो लेकिन महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया की मीटिंग में आने से मना ही है, नहीं आ सकती, और महिलाओं ने भी मान लिया है कि ये तो जाना ही नहीं है अपने को, हमारा क्या काम है वहां पे, वो तो पुरुष का काम है, और पुरुष तो मानते ही है। अब जब अध्ययन मंडल में इस चीज की बात को
उन्होंने अपनी समस्या के साथ जोड़कर देखना शुरू किया, क्योंकि यहाँ पे तो सारी जिंदगी जंगल पे निर्भर है और उसी जंगल पे अधिकार नहीं है, खेती तो बहुत कम है। और पहले तो जमींदारी में कम से कम जमींदार ये मानता था कि इनको अपना निस्तारी जो है अपने जीवन का के लिए लाने का अधिकार है, उसके लिए भले ही बेगार करनी पड़ती है, लेकिन उतना तो वो मानता था। आजादी के बाद तो वो भी खत्म हो गया, वन विभाग कहता है कि कुछ नहीं, अब वो पहले जमींदार के समय आपका निस्तार वगैरह अधिकार था, वो भी खत्म हो गया। अब तो ये सारा जंगल जमीन सरकार का है, आप पैर नहीं रख सकते वहां, आप उससे कुछ ला नहीं सकते, सरकार से अनुमति लेनी होगी। तो ये इसमें बहुत डर पैदा हो गया था। फिर वो खोज आगे ले जाते लोगों को ये पता चला, पुरुष नेतृत्व को, ये जंगल पे अधिकार हमारा कानूनी अधिकार भी है और उसको प्राप्त करना है तो फिर हमें अपनी ताकत बनानी पड़ेगी। और वो ताकत तब तक नहीं बन सकती जब तक महिलाओं का सहभाग निर्णय प्रक्रिया में नहीं होता। और फिर पुरुष नेतृत्व इस समझ के साथ महिलाओं के नेतृत्व के पास गया कि हमें इसमें आप की जरूरत है, आपको ग्राम सभाओं में आना चाहिए और निर्णय प्रक्रिया में सहभागी होना चाहिए। अब ये बड़ी अच्छी प्रक्रिया थी कि जंगल और लोक प्रक्रिया के कारण महिलाएं बहुत अध्ययन में आती थी, जंगल तो उनके जिंदगी का हिस्सा था और वो धीरे धीरे ये अध्ययन से वो अपनी समस्याओं को भी समझने लगी थी, अपनी ताकत को समझने लगी थी, अवसर को समझने लगी थी। तो महिलाओं को पता था कि एक ना एक दिन ये पुरुष नेतृत्व उनके पास आने वाला है और वो कहेगा कि आपको आना चाहिए, तो पहले से तैयार थी वो। और उन्होंने कहा कि देखिए हम तो आएंगे, ये जंगल हमारे लिए भी चाहिए, हमारे बच्चों के लिए चाहिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए चाहिए, लेकिन आपकी ग्राम सभा में हम आए तो आए कैसे। इन्होंने कहा क्यों, पैर नहीं है आपके पास में आने के लिए। इन्होंने पैर तो है लेकिन आपकी ग्राम सभा ऐसी नहीं है जिसमें हम आए, क्यों, तो आप तो शराब पी के आते हो, अनशन बकते हो, गाली गलौज करते हो, ढंग की बात नहीं करते हो। उन्होंने अपने महत्वपूर्ण मुद्दे को पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि अगर अभी इसको हल नहीं करेंगे और जंगल के लिए चले जाएंगे तो ये हल नहीं होने वाला, अभी मौका है, पहले शराब का मुद्दा हल करो, फिर तो जाना है ही अपने को। और उन्होंने उसके ऊपर बातचीत शुरू की, सर्वसहमति से निर्णय हुआ कि गांव में शराब निकाल कर कोई बेचेगा नहीं, शराब खरीद कर कोई पिएगा नहीं, बाहर से पी के आएगा तो चुपचाप घर में रहना है, मीटिंग में भी बैठना नहीं है, माँ औरत को पीटना नहीं है, बच्चों को पीटना नहीं है, हल्ला नहीं करना है, अगर रात में ऐसा कुछ होगा तो सुबह मीटिंग होगी और उसको दंड होगा, दंड कितना होगा ये भी उस व्यक्ति ने पहले से बताया रहा हुआ है और सर्वसहमति से तय है। और पूरी एक सफलता महिलाओं को मिल गई, मारपीट से छुटकारा हो गया, बच्चे खुश रहने लगे। ये जो सर्व अनुमति के पक्षधर थे उनमें क्या भाव था जिससे विरोधियों क्या भी मन बदल गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया? क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों के भाव में भी कुछ अहिंसा रही होगी जिसने उनका दिल जीता, तो वो क्या था? ये अध्ययन मंडल में जब शराब का मुद्दा आया तो अध्ययन में उसके पहले भी 2-3 बार गांव वालों ने, जो समझदार नेतृत्व था उसने, जो मीटिंग में आए हुए लोग है उनके सर्वसहमति से शराबबंदी के निर्णय ले चुके थे, 2 बार हो चुका था और उसका अनुभव था, तो उसको देखा गया कि क्या हुआ, हमने तो निर्णय लिया, उसको लागू करने की कोशिश की, लेकिन जो शराब निकालने वाले थे, बेचने वाले थे, उनसे तो बात ही नहीं की, उनसे पूछा ही नहीं, वो तो विरोध में ही थे और असफल रहा, सफलता नहीं मिली। अब इससे क्या सीखना चाहिए, अध्ययन मंडल की सबसे बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन ये रही कि हर आदमी से बात करनी चाहिए, वो जो बेचने वाला है वो भी सहमत होगा तब काम होने वाला है, शराब बेचने वाला, तो उसको, हाँ शराब बेचने वाला, तो उससे बात करनी चाहिए। अब उसको कहेंगे कि तुम तो बुरे आदमी हो, तुम तो गलत काम कर रहे हो, ऐसी बात शुरू करेंगे तो वो क्यों बात करेगा आपसे। तो अध्ययन मंडल में सहमति बनी कि हम लोगों को मानना चाहिए कि हो सकता है उसकी बात सही हो, शराब बेचना अच्छी बात हो, तो उसी से पूछते हैं, तो सबको बुलाया जाए कि उनको कहें कि हम शराब बंद करने के लिए मीटिंग नहीं बुला रहे हैं, पहली बात, हम लोग आप जो काम कर रहे हैं उससे सीखना चाहते हैं और आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हम सब वो करना चाहते हैं। ऐसी सूचना के साथ मीटिंग बुलाई गई, शराब बेचने वाले भी लोग आए, सब लोग आए परिवार, तो लोगों ने, नेतृत्व जो था उन्होंने बातचीत इसी ढंग से शुरू की कि हम लोग बिल्कुल आप
को बुरे लोग गलत आदमी नहीं मानते, हम समझना चाहते हैं कि ये शराब निकाल कर बेचने का काम आप कर रहे हैं, ये अगर बहुत अच्छा काम है तो हमें उसको सबको करना चाहिए क्योंकि फिर क्यों अच्छा काम है तो सब करें ना, एक ही क्यों करें। तो फिर आप बताइए कि ये कैसे कैसे अच्छा काम है, इससे क्या फायदा होता है आपको, कितना पैसा मिलता है, क्या क्या अच्छा है, कितना बताएगा अच्छा अच्छा वो बोल इतना ही तक रुक जाता है कि भाई पैसा मिलता है और जल्दी जल्दी पैसा मिलता है, बहुत फसल बो के इतना राह देखने की जरूरत नहीं है, तुरंत पैसा मिल जाता है और लोग बहुत आते हैं, पैसा भी लाते हैं, अनाज भी लाते हैं, बर्तन भी लाते हैं, सब मिलता रहता है। तो थोड़ी देर में अच्छी अच्छी बात खत्म हो गई। तो लोगों ने कहा कि अब अध्ययन का तरीका तो यह है कि अब इससे बुरा क्या होता है, ये भी आप ही बताइए। फिर धीरे धीरे बात होती है कि पैसा तो आ रहा है लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर के बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, जो शराब बेच रहा है वो बच्चे पीने लगे हैं, उसी के बच्चे और वो तो समझ में आ रहा है उसको कि ये अच्छा नहीं है पीना, बेच रहा है पैसा कमा रहा है, दूसरा बिगड़ जाए अच्छी बात है, लेकिन मेरे गज का बच्चा बिगड़ जाए उसके कारण परिवार उससे दुखी हो, ये सिर्फ बातें आगे आने लगी कि भाई लोगों को नुकसान पहुंचाकर ये पैसा कमाना, ये बात क्या सही है। तो फिर पहला सवाल आया कि फिर हमारी उपजीविका का क्या होगा, हमारी आजीविका का क्या होगा, हम तो इस पे कमा रहे हैं तो आप इसको कॉम्पनसेट करिए, हम बंद कर देते हैं। तो फिर उसपे भी बड़ी बहस चली कि भाई आपके दादा परदादा क्या यही व्यवसाय करते थे, फिर वो तो जीते थे ना, और जो व्यवसाय नहीं करते हैं शराब का तो क्या वो जीते हैं या नहीं जीते हैं, सब मर गए। तो फिर बाकी लोग जैसे आपके दादा परदादा जो करते थे खेती बाड़ी या जंगल का काम और उससे जीते थे, आज भी लोग शराब नहीं बेचते हैं ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, तो वो तो काम आप कर सकते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ थोड़ी मदद की जरूरत हो तो ग्राम सभा आपके साथ में है, हम सहयोग करेंगे आपको, आपकी व्यवस्था ठीक से हो जाए तब तक, लेकिन अपने आप को गांव से भिन्न मत मानिए, आप पूरे गांव का ही एक हिस्सा है। और इस तरह की बात करने से उनके साथ में उनके प्रति आदर और विश्वास दर्शाने के साथ जो बात होती है धीरे 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 और खुलती है और प्रोत्साहन होता है कि आप अपने सवाल और बताइए, हो सकता है कि हमारा कुछ छूट गया हो, तो इसके साथ बात करते करते फिर धीरे धीरे वही आदमी कहने लगता है कि हाँ ये तो बंद करना चाहिए। और इन सब बातों से महिलाओं के प्रति जो हिंसा होती थी पुरुषों द्वारा उसमें बहुत फर्क पड़ा होगा, बहुत फर्क पड़ा, और महिलाओं में एक हिम्मत बनी और फिर एक सहकारिता की भूमिका, क्योंकि कानून टूट रहा है तो सारी महिलाएं दौड़ के जाएगी, कोई अगर ऐसी बात हो रही है तो सुबह तक वो मारपीट मारने देंगे उसको, ऐसे नहीं होगा, अगर चिल्लाती है महिला तो सारी मोहल्ले की महिलाएं जाएंगी उसको सुरक्षा देगी, वो उसके आदमी को अलग रखेगी या तो बहुत ही मुश्किल परिस्थिति है तो महिला को लेके आएगी अपने घर में रखेगी और दूसरे दिन फिर ग्राम सभा होगी और फैसला होगा। तो महिलाओं को बहुत सुरक्षितता का माहौल मिल गया और महिलाओं में एक आत्मसम्मान की भावना तैयार हुई, आत्मविश्वास की भावना पैदा हो गई। ये केवल एक इसी ऐसी एक अनोखी जगह में हो गया कि इससे आप मान लीजिए ऐसे चार या पांच बातें बताइए जो किसी भी इंसान के लिए कहीं पर भी किसी भी परिस्थिति में कोशिश करने लायक हो, जिससे ये इस किस्म की जो स्ट्रक्चरल वायलेंस का आपने जो आंसर ढूंढा वो हम सब के हासिल करने लायक हो, इस पे आप थोड़ी रोशनी डालिए। जी, एक तो मेंढालेखा ये पूरा 100% कोया आदिवासियों का गांव है, तो पहला तो बाहर के लोगों का ये कहना होता था कि ये तो सारे कोया आदिवासी संस्कृति के लोग हैं, इनकी सांस्कृतिक भिन्नता है और जंगल भी काफी है इनका और आर्थिक विषमता भी बहुत कम है इनके बीच में, तो वर्ग वाली भी स्थिति नहीं है, जाति भेद नहीं है, धर्म भेद नहीं है और इसलिए ये शायद संभव हुआ है। तो बहुत जल्दी सोशल तो खास करके वाले तो लोग इसको बिल्कुल ये होमोजूनियस कम्युनिटी है और हेट्रोजीनियस में तो असंभव है, इस तरह के निष्कर्ष पे बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो उसको हमने परखा क्योंकि हम लोग अध्ययन मंडल में ये सारी बातें करते थे, तो परखने का तरीका हमने तय किया कि भाई आसपास के ऐसे कितने गांव हैं 50 कि जिनकी परिस्थिति ऐसी ही है मिलती जुलती, उनकी लिस्ट बनाए। तो 50 गांव हमने ढूंढे कि बिल्कुल मेंढा के आसपास परिस्थिति वाले हैं, सारे आदिवासी हैं, जंगल है, वर्ग भेद ज्यादा नहीं है,
तो फिर कितने गांव में ऐसा हो रहा है? अगर हमारा हाइपोथेसिस अगर सही है कि आदिवासी होने के कारण ये होता है, तो सारे गांव में होना चाहिए, नहीं तो कम से कम 50% में तो होना ही चाहिए, कोई फैक्टर अलग होंगे तो दिख रहा है कि एक भी गांव में नहीं ऐसा हो रहा है ऐसा। तो हमारा हाइपोथेसिस गलत है कि हमने जो माना है कि आदिवासी होने के कारण होता है, ऐसे नहीं है। तो फिर गैर आदिवासी इलाके में कहीं हो रहा है क्या, इसको देखें। तो हमें उस समय पता चला कि गढ़चिरौली से लगा हुआ चंद्रपुर जिला ब्रह्मपुरी तहसील में एक सायघाटा नाम का गांव, और जहां पे 8 जाति के लोग रहते हैं, आदिवासी भी है, दलित भी है, सवर्ण भी है, ब्राह्मण भी एक परिवार है। तो 8 जाति के लोग जो पूरे देश का प्रतिनिधि करने वाला गांव है और गैर आदिवासी इलाके का गांव है, तो वहां पे ये प्रोसेस दिखाई दी। उस गांव का करीब 250 हेक्टर जंगल जो उजड़ गया था विकास की धारा में, और लोग बहुत चिंतित थे, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही थी कि जो उसकी जो जड़ें होती है उसको खरीद खोद कर महिलाएं बाजार में जाकर बेच रही थी। एक दिन गांव के लोगों को पता चला कि अगर ये जड़ें भी खत्म हो जाएगी तो हम क्या बेचेंगे, जंगल पे तो निर्भरता है। तो सारे लोगों ने फिर मिलकर बात शुरू की, एक नेतृत्व अलग तरह का था, उन्होंने सबने सोच विचार शुरू किया और सर्वसहमति से इस निष्कर्ष पर आए कि इन पेड़ों को बचाना चाहिए, जड़े नहीं नष्ट करनी चाहिए, उनको पेड़ बनने देना चाहिए, जंगल बढ़ाने देना चाहिए, और ये जब नए पौधे आएंगे तो बकरी जो आज हमने बहुत पाल रखी है ये बहुत नुकसान करेगी इसका, तो ये पेड़ ऊपर जाने तक बकरी नहीं पालेगा कोई। सर्वसहमति से निर्णय लिया, बकरी को तब तक नहीं पालना है जब तक पेड़ ऊपर नहीं जाते, तो खुद खा लो या बेच दो। कहीं कंपाउंड नहीं लगाया और पूरा जंगल खड़ा हो गया, जिसका नाम था एक अंधारी करके, वो जंगल था कि जहां पे सूर्य प्रकाश दोपहर में भी जमीन पर नहीं आता था, इसलिए अंधारी कहते थे। वो तो उजड़ चुका था और कुछ ही सालों में वो फिर से अंधेरा दिखाई देने लगा। तो ये सारा दिखाने लगा कि अरे ये कुछ सूत्र है कि जिसमें ये सर्वसहमति अध्ययन ये वगैरह चीजें जो हम पकड़ रहे हैं मेंढा में, तो ये 8 जाति के लोगों के यहाँ दिख रहा है और उसमें कुछ भिन्नता और रही है, जो सारी जगह मान लिया जाता है कि भाई ये जाति व्यवस्था इतनी गहरी चली गई है कि जिसको कुछ छू नहीं सकता। दलित अल्पसंख्यक है लेकिन नेतृत्व उसी दलित समाज का एक युवा कर रहा है उसका, क्योंकि वो क्षमता है उसमें, और उसका नेतृत्व सवर्ण लोग मान्य कर रहे हैं क्योंकि उसमें क्षमता है, और वो जंगल को पूरी आगे ले जाने में और उसको बनाने में मदद करने के लिए, उसके बिना दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये सारी भिन्नता समाज में होती है और वो अलग अलग जगह ये ताकत उनमें है बीज रूप से, अब वो प्रकट हो सकती है। तो फिर हमें समझ में आया कि ये जो मेंढा में प्रकट हुई है या सायघाटा में प्रकट हुई है वो एक इंसानी क्षमता है जो कान में है, लेकिन वो ऊर्जा के जैसे नियम की है कि ऊर्जा सो जाती है, डॉर्मेंट होती है, जागती है तब दिखाई देती है। तो ये दुनिया के सभी इंसानों में ये क्षमता प्रकृति ने दे रखी है। अब सवाल ये है कि ये सोई हुई ऊर्जा या बीज रूप से सोए हुए उनके अंदर के ये बीज कैसे जागे, अंकुरित हो। अहिंसा के प्रति जो पहले आपकी उम्मीद थी, आज आपको वही उम्मीद है कि और भी ज्यादा उम्मीद है कि बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि अहिंसा आम समाज में संभव हो सकती है या नहीं? जब काम शुरू किया था तब जो विचार के आधार पर उम्मीद थी, आशा थी, वो काम जब आगे बढ़ा, अनुभव आता गया, दर्शन हुआ कि लोग अहिंसा का उपयोग हिंसा के खिलाफ प्रत्यक्ष में कैसे करते हैं, और कई बार उदाहरण में आया, लेकिन मेंढा का पहले घुटुल की लड़ाई से वो बात शुरू हुई और मैं आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि बात तो बहुत होती थी लेकिन कहीं मैं देख नहीं पाया था, और मैं अद्भुत थी वो चीज की इसका अनुभव करना, और इतने कमजोर लोग कितनी ताकत के साथ, इतनी मजबूत समझी जाने वाली व्यवस्था के सामने किस ताकत से खड़े होते हैं, और वो ताकत व्यवस्था जो है वो सरेंडर कर देती है उसके सामने। तो इसका अनुभव आने के बाद में तो फिर काम से हर बार ये और मजबूती होता गया कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है सवाल नहीं है, इसके बिना दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, हिंसा से नहीं हो सकता, ये रास्ता तो पक्का बंद हो गया।
अब अहिंसा से और ज्यादा उसको समझना, प्रयोग करना, उसके प्रति और बारीकी से उसकी चीजों को समझना और प्रयोग से और समझते जाना, यही रास्ता है। और जो लोग इसको समझे और करे, इसके बिना दूसरा रास्ता है नहीं, क्योंकि हिंसा का इतना पुराना अनुभव है इंसान के पास में, और बार बार हिंसा से नहीं हो सकता है, यही बात पक्की हुई है। तो प्रकट हिंसा और सूक्ष्म रचनात्मक उसकी जो ढांचा है, उसकी ढांचागत हिंसा, कार्य पद्धति की हिंसा, सोच की हिंसा, इस रिलेशन की हिंसा, ये सब उसमें आता है। और उन सभी बारीकियों को समझने की ताकत इंसान के पास में है, वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, महिला हो, पुरुष हो, कम उम्र का हो, ज्यादा हो, सबके पास में ये ताकत है। सिर्फ जरूरत है कि इसको समझना, अध्ययन की बात। तो ये अध्ययन वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जिसको पकड़ना चाहिए, और जो निर्णय लेने की सत्ता ताकत की जगह है उससे भिन्न जगह बनाना, कि जहां पे निर्णय नहीं लेना है, अध्ययन करना है और अपनी समस्या के लिए करना है। वो बहुत सिर्फ अध्ययन के लिए अध्ययन नहीं होगा, अपनी बुद्धि विलास और एक बौद्धिक भूख को पूरा करने के लिए नहीं होगा, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जब लोग खोजबीन करना शुरू करते हैं और उसमें खुद अध्ययन करने की बात स्वीकारते हैं और उसमें दूसरे की सहयोगी मित्र की भूमिका मदद मिलती है, तो ये कहीं भी दुनिया में लोग कर सकते हैं या कर रहे होंगे। मुझे तो ये पूरा विश्वास है कि जब जरूरत होती है प्रकृति में, तो ऐसी बिंदु अलग अलग जगह उभरते हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं है, और वो कम संख्या में हो, भले दुनिया भर ऐसे हो रहा हो, और फिर उनकी एक दूसरे से पहचान होना और फिर एक दूसरे से अनुभव से सीख के तेजी से आगे बढ़ना। तो दुनिया के ऐसे लोगों को भी ढूंढना, फिर आदिवासी ग्रामीण क्षेत्र में ही नहीं हो सकता है, शहरी क्षेत्र में भी ये बिल्कुल मोहल्ला समाज, मोहल्ला सभा के द्वारा हो सकता है, इसको भी प्रत्यक्ष साबित करना और उसका अनुभव करना, ये भी आज की जरूरत है। क्योंकि आज जिस तरह की विकास है, जिस तरह की शहरी सभ्यता का प्रभाव है, गांव से आदिवासी क्षेत्र से लोग यहीं आना चाहते हैं, इसी तरह का विकास चाहते हैं, इसीलिए तो ये व्यवस्था लोगों के सपोर्ट से ही टिकती है। लोगों के सपोर्ट के बिना कोई गलत व्यवस्था टिकती नहीं है। तो गांधी की, हिंद स्वराज की बात और मजबूत है कि दूसरा कर रहा है इसलिए नहीं हो रहा है, हम उसको मदद कर रहे हैं, हम उसमें कारण है उसके। ये जब पता चलता है तो मैदान हमारे हाथ में आता है। तो शहरी इलाके में भी मैदान लोगों के हाथ में आ सकता है, इसका अनुभव करना ये भी एक संभव चीज है ऐसा लगता है। ये जब हो जाएगा तो और तेजी से ये प्रक्रिया बढ़ेगी, ऐसा पूरा मुझे विश्वास है। इसलिए अहिंसा काम करती है कि नहीं, ये सवाल नहीं है, यही काम की चीज है, और उसको और आगे ले जाने की हम सबकी जिम्मेदारी है। यह मुझे आज महत्वपूर्ण लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहन भाई।